आपकी यू पोस्चर है, तो आपके पहले ये दर्द हो रहा कमर, ठीक हाँ है, दूसरी ये आपकी ये हो गई दर्द। नया नया इंसान तो भैया, मुझे लगा पूरा शोल्डर पूरा ऐसे, और फिर मैं जरा चला 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 जा रहा, थोड़ा फिर अब थोड़ा ऐसे बैठना पड़ता है, थोड़ा अच्छा, ये ऐसे खोल के बैठना पड़ता है। तो क्या एवरेज रहा है इसका? एवरेज भाई मेरे हिसाब से 38 का दे दूंगी। 38, हाँ लद्दाख वद्दाख में, और अभी थोड़ा बहुत कम जरूरी है, और क्योंकि रूगल्स कम है इसकी, अंडर वैली इधर है हाँ इससे थोड़ी कम है, मतलब पत्थर उसके होते हैं लद्दाख में इतने बड़े, और साइड बहुत पैनल हल्की जो है आती है। बहुत ज्यादा हल्की होती है, फुल भाई प्लास्टिक होता है, तो भाई नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा गलती से टूटता है तो। लगवा दिया था भाई, बहुत डर लगता है कि टूट जाए। ये है एक पीस हाँ 1700 रुपए का, अच्छा, सिर्फ ये साइड पीस 1700 का, और हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हमारे सामने खड़ी है भाई रेड ब्यूटी, और ये जो R15 है ना भाई, सबके दिलों पे राज करती है। जो अपना भाई जोई भाई है, ठीक है, ये रहा भाई का चैनल, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भाई ये कुछ दिन पहले ना जोई भाई अपना R15 लेके गए थे लद्दाख, और इसमें भाई क्या क्या दिक्कतें आई हैं ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई आप लॉन्ग रूट पे लेके जाते हो ना, तो उसको लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए आपको इस वीडियो में भाई पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी, और इसमें क्या क्या है और क्या क्या चीज़ नहीं है, आपको ये बाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको वीडियो में, इस वाली वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में भाई बने रहें, ठीक है। ये अपने सोहिब भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया, बस बढ़िया भाई। तो भाई मेरे और मुझे जानना था और मेरे ऑडियंस को जानना था कि आपने ये R15 आप लॉन्ग रूट पे लेके गए हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम शायद लेके फर्स्ट गए टाइम हो, लेके गए फर्स्ट थे। टाइम लेके हाँ हो, क्या क्या आपको दिक्कतें आई हैं, और बाइक में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और इसमें क्या क्या होनी चाहिए थी, इस प्राइस में आपने यही बाइक क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं देखा ना, ये सब चीज़ें हमें जानना है। तो चलो यार जल्दी। देखो R15 में ले तो लियो, लद्दाख के हिसाब से आपकी थोड़ी नीचे की रंगलेस कम है इसकी, अंडर वैली इधर है हाँ इससे थोड़ी कम है, मतलब पत्थर उसके होते हैं लद्दाख में इतने बड़े, ऑफ रोडिंग भी होती है, पानी भी होता है, सब कुछ होता है, हाँ कभी कभी लगता है नीचे टच ना हो जाए, टच हो जाती है तो कूलेंट होता है, कूलेंट का डर लगता है, कूलेंट ना लीक होता हाँ है, जब कूलेंट फट जाते हैं। फट जाता है हाँ नीचे होता है, बड़े ध्यान ध्यान से निकालना पड़ता है, बहुत ध्यान ध्यान से निकालना पड़ता है। और दूसरी बात, उधर साइड स्टैंड भी नीचे है, स्टैंड का मेरा देख, साइड स्टैंड सेंसर भी मेरा टूट गया था इस साइड, अभी भी कोई भी ब्रेकर आता है तो टच हो जाती है ये इसमें नीचे अच्छा टीचर, वो भी सिंगल पे भी टच हो जाती है, ट्रेसी करके निकालनी पड़ती है, ये मेरे पता नहीं क्या नीचे है या मुझे मिली ये भी नीचे। नहीं, ये मतलब ये ग्राउंड लेवल पे थोड़ा ज्यादा नीचे है। हाँ और दूसरी बात, इसमें इसमें कोई सिस्टम नहीं दे रखा, इतनी अच्छा महंगी प्राइस में दिया ही नहीं, इस मॉडल वाले में दिया नहीं, राइट कलर लोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा अलग से लगवाओ वो बात अलग है, इसमें मिलता ही नहीं बट मिलेगा। अलग से लगवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कंपनी से लगी हुई आती है ना, तो हाँ वो सबसे बढ़िया है। वो बढ़िया है, और जो अलग से लगवाते हैं ना जरा उसमें लैगपन लगता है हाँ मैंने सुना हुआ है, और थोड़ा जल्दी खराब भी हो जाता है, जो कंपनी फिटेड आता है वो जल्दी खराब नहीं होता, इसमें थोड़ा लैगपन आता है बीच बीच में, जर्क न्यूट्रल हो हाँ जाएगी अपने आप, कभी कभी गेयर डलेगा नहीं, ऐसा हो जाती है। और दूसरी बात, इसके जब हम लेकर गए थे तो उसमें R15 में पूरा झुके बैठने एकदम, बता दूंगा एकदम, आपकी यू पोस्चर है, तो आपके पहले ये दर्द हो रहा था कमर, हाँ ठीक है, दूसरी ये आपकी ये हो गई दर्द। नया नया इंसान तो भैया, मुझे लगा पूरा शोल्डर पूरा ऐसे, और फिर मैं जरा चला 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 जा रहा, थोड़ा फिर अब थोड़ा ऐसे बैठना पड़ता है, थोड़ा अच्छा, ये ऐसे खोल के बैठना पड़ता है, वहां पर मैं ऐसे करके बैठा तो मेरे पूरे शोल्डर वोल्डर पूरे उसमें बैक पेन मतलब बैक बहुत पैन ज्यादा बहुत होता है इसमें। जबरदस्त, लेट जाओ बस, रात में बाइक चला नहीं जाती थी, बस 100 से ज्यादा 100 किलोमीटर चला लो थक जाता था भाई, अब बैठ रहा था ज्यादा बस। ज्यादा बंदा 100 से 150 किलोमीटर चला सकता है लगातार, हाँ क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, आपको इसमें मिल जाता है स्पोर्ट्स टाइप का, ठीक है, क्योंकि ये आपका नेकेड नहीं है। आप लॉन्ग रूट पे जाओगे तो नेकेड बाइक लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पोर्ट्स में लेके जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए और लॉन्ग रूट पे भाई सोच समझ के लेके जाना, जिसको आदत पड़ चुकी है तो वो लेके जा सकता है, फर्स्ट टाइम कोई भी जाएगा तो ये लेके मत जाना। पहले भाई इसे सिटी सिटी चलाओ आराम से, जब आप लॉन्ग पे ले जा सकते हो, मैं तो तीसरे दिन ही ले गया था इसे लद्दाख, पता नहीं क्या मूड था, क्या दोस्तों कहा था सब ले चले, तो मैं चल रहा हूँ, मतलब वही दोस्तों ने उंगली कर दोस्तों ने दी कि कहा चलो चलो भाई। चलो, मैंने नई नई खरीदी, और दूसरे दिन तीसरे दिन हाँ वो लद्दाख ले गया बस। अच्छा, और दूसरी बात, इसका हेडलाइट का थ्रो कम है, हाँ मेरे हिसाब से तो R15 में, मैं हाँ हाईवे पे भी कम है, जैसे आप ये लोकल रोड पे चल रहे हो तो सही है, वरना इसलिए मैंने फॉग लाइट एक्स्ट्रा लगवाई थी यहाँ पर, इनका तो थोड़ा सही था। हाँ क्योंकि R15 में DRL जो है ना, इनका ही, जो मेन आपका ये लाइट है आपका बहुत कम है, बहुत कम तो दे इसीलिए रखी है आपने ये वाली लगवाई है। ये वाला,
और हाँ ये चीज देख लो, क्योंकि इसमें ना आपको कम चीज मिलेगी लाइट देखने के लिए, बाकी इसके जो लुक है भाई बहुत खतरनाक आपको इसको लुक मिलेगी R15 की, तो ये और चीज है। इसमें तो जगह नहीं मिलती, कहीं भी लगाने के आप कुछ भी लगाओगे एक्स्ट्रा लाइट तो उसमें कहीं जगह नहीं, बड़ी मुश्किल से उसमें लगाई। और मैंने कहा बंदों को देखा यहाँ हाँ भी यहाँ तो पे भी लगा हुआ यहाँ रहता लगाई, मगर ये थोड़ी बड़ी बड़ी थी तो इधर लगती नहीं, कि दस पे हाँ। लगा जाते, तो मैं चलो इसी पे लगा दो। फर्स्ट चीज आप यहाँ कहीं लगवा दो तो आपको यहाँ पे दिक्कत मिलेगी देखने के लिए, स्क्रेचेस लग जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको हमेशा लोग कहते हैं कि ये पीछे बैठने वाला टूट जाता है, ये मैंने जिस दिन ली थी उसी दिन मैंने लगवा दिया था भाई, बहुत डर लगता है कि टूट जाए। ये है एक पीस हाँ 1700 रुपए का, अच्छा सिर्फ ये साइड पीस 1700 का, और लगाने का अलग चार्ज है उसके, भाई ये देख लो ये सिर्फ गाइस, ये इतना सब आपको आप ये ये। लेते हो हाँ तो ये आपका जहां टूटता है तो 1700 रुपये का सीधा नुकसान हो, वो भी एक साइड का। तो कोई भी लेगा तो भाई प्रोटेक्शन सबसे पहले लगवा लेना, ठीक है, ताकि भाई और इसलिए सेफ्टी आप रहे। मुझे पता तो लद्दाख जाएंगे, इसलिए साइड की ये भी लगवाया था मैंने, क्रैश गार्ड सही एकदम हाँ मस्त, कुछ भी स्क्रैच गिरी भी इस साइड उस साइड भी गिरी, दोनों तरफ वाटर क्रॉसिंग बहुत गिरी, मगर फेयरिंग में एक कुछ भी टच नहीं है, कुछ भी टूटा नहीं, लगता था जब ये नहीं होता था टूट जाएगी, क्योंकि बहुत टूटी नहीं अच्छी और तरह, इनकी फेयरिंग जो है भाई साइड बहुत पैनल हल्की जो है आती है। बहुत ज्यादा हल्की होती है, फुल भाई प्लास्टिक होता है, तो भाई नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा गलती से टूटता है तो। बाकी जो भाई मैंने इनका सुना है कि R15 में भाई चैन बहुत जल्दी ढीली हो जाती है, ये हाँ सच है? ढीले तो हो जाती है भाई। अभी मैं रिसेंटली यूपी गया था, तो मेरी आना जाना सिर्फ जाना जाना था 400 किलोमीटर, चार सौ हाँ किलोमीटर में चैन ढीली हो जाती है अच्छा मेरे हिसाब से, वरना और लोग कहते हैं 600 800 में होती है, मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ढीली हो जाती है हर अच्छा बार। और अगर आपने जरा वीली वीली मार दी, दो वीली मार दी धर्म से प्यार हाँ चार जो अच्छी खासी, तो तुम्हारी चैन ढीली हो जाएगी, आवाज करने लगे कट 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 कट, टाइट ही करा तुम। नहीं, क्योंकि भाई ये ढीले जो हो जाते हैं ना, इनको तो टाइट रखोगे तो ही फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ भाई प्रो राइडर के साथ भी हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है। और भाई व्यू देखो और ये देखो, मतलब यार अलग ही लेवल की होती है भाई बाइक, ये आपको पता ही होगा। और एक चीज जानी थी भाई, जैसे कि आपने इस प्राइस में लिया, ये करीब शायद 217,000 ऐसी कुछ की आ रही थी, ठीक है, हाँ तो नहीं शायद 210,000 रुपये के करीब थी, दो दो 15 2 10 की आ रही थी हाँ सिर्फ दो दस की आ हाँ रही थी, कैश। देखो तो भाई आपने यही क्यों नहीं लिया, मतलब कोई और क्यों नहीं लिया? भाई एक बुराई नहीं कर रहा, एक बजाज की ये हाँ NS 400 भी आई है भाई, जब मैंने ली थी NS 400 लॉन्च हो गई थी, उसका प्राइस राइज आ गया, मतलब शोरूम पे नहीं आई, बुकिंग चल रही थी, हाँ तो भाई NS तो पता है एक बार इंजन खुल जाता भाई वो दोबारा चलता रहता है, हाँ बजाज वो की ऐसी है ठीक है, इसलिए मैंने कोई बजाज की नहीं ली। और हीरो की तो थी आती नहीं है कोई, इसकी हाँ कोई वैसी नहीं है, और TVS की 310 आती है, वो भी फिर उसकी सेम फिर बल्कि प्राइस BMW फिर की बढ़ जाता, 310 में हाँ आपका तीन सौ दस प्राइस बढ़ बढ़ जाता। जाती है, हाँ और फिर उसकी अब वो BMW की भी अलग है, 300 सेम सेम आती है, हाँ वो लोग कहते हैं मतलब इंजन सेम ही लगता है मुझे भाई, चलाने में मुझे फर्क तो लगता है। और बच्चा यामा यामा तो R15 देता है, और दूसरी बात अच्छा मेन बात इंजन एकदम बेस्ट है भाई, तुम इसे नॉन स्टॉप चाहे, मैंने इसे नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप ज्यादा 900 किलोमीटर चलाई भाई, 900 किलोमीटर बहुत होती है, जब मेरे पेन हुआ था भाई नॉन स्टॉप लद्दाख जब लेकर गया था नॉन स्टॉप, और हम लोग घूमते भी सब कहते, जब हम लोग को ज्यादा पड़ गया था अच्छा भाई इंजन चू से चाने बोल रहा था, वो कह रहा था हिम्मत हो तो भाई जोर कर से दो, चला दो मतलब भाई, ले जाओ इसको ले जाओ जहां भाई मर्जी ले जाओ वहां लेके चले जाओ, जा भाई, थकेगी नहीं। थकेगी नहीं भाई, और रेस्ट ज्यादा 10 मिनट या 20 मिनट का मिल रहा था, और अच्छा कुछ नहीं मिल रहा था ना, क्यों रेस्ट क्या, खाना चाय पीना हो खाना पीना बस, जब फिर चल पड़ी भाई। और और इसका एवरेज की बात करें तो क्या है, आप लॉन्ग रूट पे ले तो क्या एवरेज रहा है इसका? एवरेज भाई मेरे हिसाब से 38 का दे रही है 38, हाँ लद्दाख वद्दाख में, और अभी थोड़ा बहुत कम दे रही है, क्योंकि और आपने शायद हाँ एग्जॉस्ट भी लगा लिया है एग्जॉस्ट तो लगाया वो आपका इसीलिए भी कम नहीं जाए। है, एग्जॉस्ट लगाने से थोड़ी बहुत मेरी पड़ी भी है और कम भी हुई है, लोकल में कम हो गई है, जैसे वो लॉन्ग रूट पे सही चल रही है मेरी हाँ अभी, जैसे मेरी दे रही है चेक उसमें मेरी दे रही है इसमें एवरेज अभी 23 का, वो 33 33 वो 33 का दे रही है, 1 पॉइंट गिर गया अभी, जो थोड़ी बहुत इधर चलाई है ना जरा हाई हाँ रैप पे तो उसी में गिर गई है, अच्छा। और जितने प्यार प्यार चलाओगे से आराम से मस्त चलती है, कोई इशू नहीं। और सबसे बड़ी बात तो भाई इस प्राइस में ऐसा लुक और स्पोर्टी लुक भाई कोई भी नहीं देता ना, हाँ भाई ये तो है। तो भाई कुछ चीजें ये थी और खासियत भी है यार, क्योंकि देखो इस प्राइस में आपको है ना इंजन बहुत अच्छा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात क्या पता है, 150 cc में ये भाई 200 को बीट करता है, ये है भाई खासियत। और ये रिएक्शन तो भर भर के मिलते हैं, भाई ये बात तो, एग्जॉस्ट चेंज करा लो एग्जॉस्ट चेंज और कराओ भाई
भाई पीछे रिएक्शन देखते भाई कौन सी बाइक आ रही है, कौन सी बाइक आ रही है, रिएक्शन तगड़े मिलते हैं। ये बात है, इसमें कोई भी एग्जॉस्ट लगाओगे ना तो भाई बहुत अच्छी आवाज करती है। तो एक बार है ना इसका एग्जॉस्ट भी सुनाते हैं। चलो ये भाई बिना डीवी गिलर के साथ है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको रैप करते हैं एक बार। देखो भाई कितना ज्यादा लाउड है यार, क्या ही बताओ। ठीक है ये देखो, बाद में ये हल्के हल्के ब्रेक पाए, मतलब आपकी पिकनिक चल रही है। हाँ थोड़ी स्लिप, ये पटाखे भी फोड़ दिए, मारते पटाखे तो ये हर बार मारती रहती है, जब भी चाहे डिविकल लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो। हाँ। मारती रहेगी ये पटाखे। तो गाइस ये है कुछ खासियत है और कुछ चीजें हैं भाई जो आपको इसमें दिक्कत मिलेगी। और जिसने भाई फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, ठीक है। भाई का भाई चैनल ये रहा, इंस्टाग्राम का भाई ये रहा, नाम शोएब खान व्लॉग्स करके, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी। तो भाई को फॉलो कर लेना, ठीक है। और साथ में भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे ना। और मौसम भी यार बहुत प्यारा हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो। तो चलो गाइज मिलते हैं अब एक और अच्छे सी अगली वीडियो में।